समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव इंडिया मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है, देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। रामगोपाल ने और क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। इंडिया से जुड़े हुए घटकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, उसे बचाने के लिए मायावती साथ में नहीं है, इसको लेकर मायावती नॉन एंटिटी ना हो रहा है। अगर मायावती किसी के साथ नहीं जा रही तो फायदा किसको होगा, ये कैलकुलेशन आप लोग करिए। हम लोग सीधा काम करने वाले, यादव का नाम आप प्रधानमंत्री के लिए लेंगे क्या? ये आप लोग ये सवाल इसलिए मत किया कीजिए कि कौन होगा, ये एक मिनट में तय कर लिया जाएगा। लेकिन वही तो बड़ा सवाल है ना सर, कौन होगा? कोई बड़ा सवाल नहीं। चलो चलो, हर किसी को लगता है कि उसके पार्टी का नेता थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। यूपी बड़ा सूबा है, कई सीट हैं, क्यों अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? यादव को अभी बहुत सर, अखिलेश यादव क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? मीटिंग शुरू होने से पहले मीटिंग का एजेंडा जो है वो इंडिया टीवी के पास आ गया है। मीटिंग में क्या होने वाला है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी, साथ ही लोगों पर चर्चा होगी। और क्या होगा सचिन इस मीटिंग में जो हम दर्शकों को बता रहे हैं? देखिए, मैं आज का शेड्यूल आपको बता दूं कि 6:30 बजे से सभी जो प्रमुख नेता यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 28 दलों की बात जरूर कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो 27 दलों के 62 डेलीगेट जो है वो यहाँ पर शाम 6:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। 6:30 बजे से इनफॉर्मल मीटिंग 2 घंटे तक चलेगी, 8:30 बजे तक। और आज लोगों का अनावरण किया जाना था, ऐसी घोषणा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी एमवीवी की तरफ से, लेकिन अब उसको टाल दिया है। उद्धव ठाकरे डिनर होस्ट करेंगे आज शाम को, आज रात को। उसके बाद कल सुबह 10:15 बजे जो है एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी सभी प्रमुख नेताओं की। उसके बाद लोगों पर इस बैठक, इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और सबसे पहला जो प्रमुख मुद्दा आएगा वो आएगा कि इंडिया को लोगों तय करना, उसके लिए जो अलग अलग लोगों की राय ली जाएगी, अब तक जो राय नहीं बन पाई है जिसके कारण उसको पोस्टपोन किया गया है कल तक के लिए, तो उस पर डिस्कशन होगी, उसको फाइनल किया जाएगा। उसके बाद इंडिया अलायंस का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका प्रमुख संयोजक, उसके बाद प्रवक्ताओं की नियुक्ति, क्योंकि अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियां जो है, कल आप पार्टी ने पहले दावा किया कि केजरीवाल पीएम के उम्मीदवार होंगे, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, तो ये ना हो, इसे एक इमेज ना जाए, आपसी जो झगड़े हैं वो बाहर ना आए, इसलिए प्रवक्ताओं को नियुक्ति दी जाएगी, उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ एक उनकी एक टीम बनेगी, सेक्रेटरी, उसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन रूम बनेगा, कंट्रोल रूम बनेगा। उसके अलावा जो प्रमुख मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे उठाने हैं, महंगाई से लेकर तमाम जो बड़े देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके अलावा आगे स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से प्रचार के मुद्दे होंगे, कहाँ पर जॉइंट रैलियाँ होगी, आगे का एक्शन मोड का क्या होगा, उसका पूरा एजेंडा हमने दर्शकों को यहाँ पर बताया है। तो इस तरह से पूरी इंडिया का जो गठबंधन है उसमें पूरे देश की पार्टियां हैं, तो वॉर सेंटर ऐसी जगह पर बनाना है जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, क्या वो मुंबई हो या दिल्ली हो, कोलकाता हो, उस पर भी चर्चा होना है। और आज के ज़माने में बहुत कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने पार्टी का या अपने अलायंस का एजेंडा आगे करना, तो उस बारे में भी चर्चा करनी है कि आखिर सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है। वहीं शेड्यूल जो है वो भी सामने आया है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या किस तरीके से आज और कल का क्या प्रोग्राम है। दिनेश, देखिए कुछ एक हिस्सा सचिन ने बताया, उसके आगे का हिस्सा जो सब जिसका जिक्र आपने भी किया, सोशल मीडिया को जॉइंटली जो है उसका इस्तेमाल करने को लेकर रणनीति जो है वो इस गठबंधन द्वारा बनाई जा रही है। विपक्ष को ये लग रहा है, चूंकि तमाम इसमें क्षेत्रीय दल ज़्यादा है और सभी का अपना अपना अलग अलग वोट बैंक है, इसीलिए सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी कैंपेन तैयार किया जाएगा उसे अलग अलग भाषाओं में बनाया जाए, और जो अलग अलग दल है, फिर चाहे वो TMC हो बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना हो, या फिर अगर साउथ में जाए तो वहाँ पर स्टालिन की जो पार्टी है, तो उन इलाकों के उनकी भाषाओं में उन कंटेंट्स को जो है उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाए, साथ ही में एक दूसरे के पोस्ट को जो है टैग किया जाए, रिपोस्ट किया जाए, एक दूसरे के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए ताकि बड़ी आबादी तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल, देखिए शेड्यूल भी सामने आ गया है। आज शाम को 6 बजे ग्रैंड हयात में स्वागत होगा, जो भी नेता पहुंचे हैं उनका स्वागत होगा, साथ ही 6:30 बजे गठबंधन के नेताओं की एक इनफॉर्मल बैठक होगी। फॉर्मल बैठक
कल होने वाली है सारे नेताओं की, लेकिन आज एक इनफॉर्मल बैठक होगी और आज रात को 8 बजे उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं के लिए, अलायंस के नेताओं के लिए एक फॉर्मल डिनर भी रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।